हमारी एडुकेशन को कंपेयर करना चाहिए हेल्थ सेक्टर से. ओके क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें तो अगर किसी कोई पेशेंट है तो उसके बाद जब डॉक्टर जाता है तो डॉक्टर उसको कोई टेस्ट लिखता है और टेस्ट को देख के डॉक्टर उसको सलाह देता है कि भाई आपको ये बीमारी है और ऐसे करना पड़ेगा. राइट. हम एडुकेशन में क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक ही खाना खिला रहे हैं, एक ही मटेरियल दे रहे हैं, सबकी कमियां अलग है, कोई एक्यूरेसी कम है, किसी स्पीड कम है, किसी फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में भी ये टॉपिक कमजोर है, ये कमजोर है, केमिस्ट्री में ये कमजोर है, हम सबको एक ही बात बोल रहे हैं. सो हम शायद शिक्षा में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जितने इनोवेशन होने चाहिए थे पिछले 50 साल में, किसी भी टेक्नोलॉजी में जो हुए होंगे शिक्षा में वो सबसे कम हुए. ओके तो हमें पर्सनलाइज लर्निंग और कस्टमाइजेशन ऑफ एडुकेशन की तरफ जानी चाहिए. मैं अपनी टीम को भी इसके मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद देते हैं. अभी हमने पूरे देश की नंबर वन बनाई है, मुझे लगता है शायद विदेश में भी कहीं है ऐसी मशीन जो बेसिकली बच्चे की कमियों को पढ़ लेती है उसके बैकएंड इनपुट से. हाँ, ये कौन सा जादू है? बेसिकली मैं आपको सिंपल सा, कोई जादू नहीं है. बेसिकली जब भी बच्चा ऐप पे कोई इनपुट डालता है, जब भी वो टेस्ट देता है, तो हमें पता पड़ता है कि किस टॉपिक में कहाँ गलती कर रहा है, कैसी गलती कर रहा है. तो जब वो हमारे यहाँ पे आता है तो उस मशीन से वो जब बटन दबाता है तो आपकी और मेरी अलग अलग प्रैक्टिस सेट निकलेंगे ताकि आप अपनी कमियों पर काम करें, मैं अपनी कमियों पर काम करूँ. सर ये तो बच्चों को फंसा रहे हो आप. मतलब अभी तक तो नंबर कम आते हैं, बोलते हैं अरे वो टीचर सड़ता है हमसे, उसने फेवरेट वाले को नंबर दिए मुझे नहीं दिए. अब तो आप कह रहे हो कि ये मशीन तो ऑब्जेक्टिवली बता देगी. हाँ, ऑब्जेक्टिवली बता देगी पर उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि हमें रियलिटी में तो अल्टीमेट गोल को पास करना है. राइट, तो उसकी कमियों को पहचान के उसको स्टडी मटेरियल देगी तो वो अपनी कमियों पर सुधार पाएगा. मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अभी तक एज शिक्षक, कि जो टॉपर बच्चे होते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं, मेरा बहुत ध्येय होता है कि एवरेज बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए. टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में जो मैंने एक बेसिक डिफरेंस देखा, दोनों सेम पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं दोनों सेम पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं. टॉपर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ कमजोर है. ओके एवरेज बच्चे को ही पता नहीं पढ़ पाता है. सही बताऊं तो शिक्षक भी नहीं बता सकता, क्लास में 500 बच्चे हम नहीं पता कर सकते उसकी रियलिटी में कहाँ मिस्टेक है. आमतौर पर तो यही कह दिया जाता है कि पढ़ के नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, या बोलते बेटा मेहनत करो. मान लो मेरे पास कोई बच्चा जाए सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं अपनी हमारे सर गड्ढा खोदना शुरू करते, मेहनत करो तो मेहनत तो वो भी होती है. पर वो गड्ढा कहाँ खोदना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, वो बात भी तो है. ये टेक्नोलॉजी हमें इसको जोड़कर कर सकती है. अच्छा. टेक्नोलॉजी हमें इनपुट देती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें बताती है कि बच्चा इस जगह वीक है. ये बच्चे को भी पता नहीं पड़ता और उसके हिसाब से उसको खाना परोसा जाना